हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों बीएससी सेकंड ईयर का, ठीक ना, बीएससी सेकंड ईयर का दोस्तों बॉटनी का फर्स्ट पेपर, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर लाए हैं दोस्तों, जो कि पूरा की पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर लाए हैं, ठीक है ना, पूरा की पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर लाए हैं दोस्तों। क्योंकि अब की बात जो है, जहां तक है, सभी यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले दोस्तों, तो इंडिया की ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए हम लेके आए हैं एक ऑब्जेक्टिव पेपर दोस्तों। तो उसमें देखेंगे दोस्तों, हमने इसका जो फर्स्ट पेपर है बॉटनी का, ठीक है, फर्स्ट पेपर को हमने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। फर्स्ट पेपर को हमने दो भागों में बांट दिया है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, ठीक है। तो भाग फर्स्ट जो है वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, ठीक है। भाग फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड यूनिट का दिया है दोस्तों, और भाग सेकंड जो है वो उसमें थर्ड और फोर्थ यूनिट दिए, ठीक है ना। तो दोस्तों भाग फर्स्ट हम आपका अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे दोस्तों, तो कृपया करके उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों उसमें। अब ये भाग टू है दोस्तों, तो भाग टू में देखेंगे दोस्तों, ये यूनिट जो है, यूनिट हमारी सेकंड थर्ड यूनिट है, ठीक है ना। थर्ड यूनिट से चालू है सेकंड भाग, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, बता दें आपको, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ देखना है तो दोस्तों हमारे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया दोस्तों, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, स्टील की बाह्य परत कहलाती है। तो स्टील की बाह्य परत क्या कहलाती है दोस्तों, कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। स्टील की बाह्य परत कहलाती है, क्या कहलाती है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा, वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कहलाती है, ठीक है, क्या रहेगा, एंडोडर्मिस कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाइकोलेटरल, ठीक है, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है, वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, कुकर बिटा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घाव के ऊपर पतली सतह की बनी हुई कोशिकाओं का ट्यूमर की तरह ऊतक कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है ऊतक, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, जल्दी से बताएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर द, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है, ऑप्शन नंबर द कैलाश, ठीक है, कैलाश हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल रोम किससे निकलते हैं, मूल रोम किससे निकलते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएगा। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर द, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है, एपी बिलेमा, ठीक है, एपी बिलेमा हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्क कोशिका का मुख्य रासायनिक भाग है। तो कार्क जो है वो कोशिका का मुख्य रासायनिक भाग है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बार, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बार रहेगा, सुबेरन, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ में पेरीसाइकिल बनाती है, जड़ में पेरीसाइकिल बनाती है दोस्तों, क्या बनाती है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा, वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है, जड़ की शाखाएं व कार्क कैंबियम, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एम्फीबेजल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, एम्फीबेजल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है, प्लेटो सेंट्रिक, ठीक है, प्लेटो सेंट्रिक, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुली फार्म सेल किसकी पत्तियों में पाई जाती है, जल्दी से, बुली फार्म सेल किसकी पत्तियों में पाई जाती है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है।
तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, गेहूं, गेहूं हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पौधों में भोजन संग्रहण होता है। तो पौधों में भोजन संग्रहण होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। पौधों में भोजन संग्रहण होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर आठ। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर आठ। ठीक है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं में, ठीक है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं में, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैम्बियम को पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि यह दोस्तों जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि यह क्या करता है, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सात। ठीक है, अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है, क्योंकि यह अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न जीवित यांत्रिक ऊतक है, निम्न जीवित यांत्रिक ऊतक है दोस्तों कौन से हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आर। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आर रहेगा, पैरेन्काइमा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, पैरेन्काइमा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में देखते रहेगा। निम्न में से किस द्विबीजपत्री तने में सामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियाशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर द, साल्वाडोरा, साल्वाडोरा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, साल्वाडोरा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, किस बीज पत्री तने में प्राथमिक तथा द्वितीयक एनोमेलीज दोनों की उपस्थिति पाई जाती है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बा रहने वाला है, प्लेटाडीनिया, प्लेटाडीनिया हमारा, सॉरी लेप्टाडीनिया हमारा राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बा, लेप्टाडीनिया, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्प कैम्बियम का निर्माण प्राथमिक कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होता है, यह है, ये है किसका दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बा रहने वाला है, द्वितीयक मेरिस्टेम, द्वितीयक मेरिस्टेम, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, द्वितीयक मेरिस्टेम हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है किसमें, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात। ठीक है, क्या रहे, ऑप्शन नंबर सात, एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री पौधे में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरीडर्म, पेरीडर्म एक द्वितीयक सुरक्षात्मक पथ है जिसके अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, कौन आते हैं जिसके अंतर्गत, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बा रहेगा, कार्क कैम्बियम तथा द्वितीय कॉर्टेक्स। ठीक है, द्वितीय कॉर्टेक्स, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो साथ साथ में दोस्तों इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों साथ साथ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो जल्दी से बताएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आ, सिमिडिट द्वारा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आ, सिमिडिट द्वारा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं, फ्लोएम तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं वैस्कुलर बंडल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं वैस्कुलर बंडल को, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जब
जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं तो वैस्कुलर बंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वे क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर द, ठीक है, बाइकोलेटरल, ठीक है, सॉरी बाइकोलेटरल, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, बाइकोलेटरल हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्फीबेसल, ठीक है, एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल किस तने में द्वितीयक वृद्धि से बनते हैं, द्वितीयक वृद्धि से बनते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, ड्रेसिना, ड्रेसिना ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ड्रेसिना हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एम्फीबेसल, ठीक है, एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है दोस्तों, किसमें पाया जाता है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सात रहने वाला है ड्रेसिना में, ठीक है, ड्रेसिना में ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्क कोशाएं, ठीक है, कार्क कोशाएं होती हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताएगा दोस्तों, कार्क कोशाएं होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कार्क कोशाएं होती हैं दोस्तों, कैसी होती हैं। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, मृत, कैसी होती है, मृत कोशाएं होती है, ठीक है, कार्क कोशाएं कैसी होती है दोस्तों, मृत कोशाएं होती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग संभव नहीं होती है क्योंकि, ग्राफ्टिंग क्योंकि क्यों नहीं होती संभव दोस्तों, जल्दी से बताएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हम बताते हैं आपको दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ, कैम्बियम नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है इसलिए नहीं होती, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कार्क कैम्बियम एक उदाहरण है, कार्क कैम्बियम एक उदाहरण है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सात, पार्श्व मेरिस्टेम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सात रहेगा, पार्श्व मेरिस्टेम का, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, हिस्टोजेन सिद्धांत प्रस्तावित किया था, हिस्टोजेन सिद्धांत प्रस्तावित किया था दोस्तों, किसने किया था, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा, हमारा जो नेक्स्ट राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सात, हेन्स्टीन ने, ठीक है, तो प्रस्तावित किया था, किसने किया था, हेन्स्टीन ने प्रस्तावित किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीट कोशिकाएं, ठीक है, ग्रीट कोशिकाएं होती है, ग्रीट कोशिकाएं होती है दोस्तों, कौन सी होती है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ग्रीट कोशिकाएं होती है दोस्तों, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बार, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बार रहेगा, फलों में उपस्थित स्क्लेरिडस, ठीक है, स्क्लेरिडस, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बार, फलों में उपस्थित स्क्लेरिडस, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आर्किड्स में बेलामेन ऊतक उपस्थित होता है जो आवश्यक होता है, तो दो आवश्यक होता है दोस्तों, किसके लिए, किसमें आप आवश्यक होता है दोस्तों, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा, कमेंट करते रहेगा दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सात रहेगा, नमी अवशोषित करने में, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असामान्य द्वितीयक वृद्धि होने से फ्लोएम पॉकेट्स पॉकेट्स बेजेज का निर्माण एक बीजपत्री तने में होता है, ये जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बार, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बार रहेगा, बिग्नोनिया में, ठीक है, बिग्नोनिया में, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, बिग्नोनिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, असामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियाशीलता से असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा।
तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सात रहने वाला है ड्रेसिना तने में, ठीक है, ड्रेसिना तने में ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैलामैन ऊतक पाया जाता है दोस्तों, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों, वेलामैन ऊतक पाया जाता है दोस्तों, जल्दी से किस में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो दोस्तों कमेंट करते रहेगा, जल्दी जल्दी बताते रहेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, आर्किड की वायवीय जड़ में, आर्किड की बारहवीं जड़ में, बारहवीं जड़ में ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक बीज पत्रियों में वार्षिक वलय का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बा, कैम्बियम अनुपस्थित होता है, क्योंकि इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, ठीक है, इसी के कारण, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश वाले साथ साथ देखते रहिएगा, इंग्लिश वाले जरूर देखते रहिएगा दोस्तों साथ साथ में, वायु तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु तक का निर्माण निम्न ऊतक से होता है, जल्दी से कौन सा ऊतक है जिससे वायु तक का निर्माण होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बा, मृदु तक, मृदु तक के द्वारा जो होता है वायु तक का निर्माण होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, हमारा राइट आंसर रहेगा मृदु तक, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइलोसिस, टाइलोसिस संबंधित होते हैं, टाइलोसिस संबंधित होते हैं दोस्तों, किससे होते हैं संबंधित, टाइलोसिस संबंधित होते हैं दोस्तों किससे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर द, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है, वाहिनिका, वाहिनिका ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, वाहिनिका हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसमें असामान्य असामान्य द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, असामान्य द्वितीय वृद्धि पाई जाती है दोस्तों, कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करिएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सात रहेगा, ड्रेसिना, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्यूरोन, ठीक है, एल्यूरोन लेयर में मुख्य पदार्थ है, एल्यूरोन लेयर में मुख्य पदार्थ है दोस्तों, कौन से है मुख्य पदार्थ है, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ, प्रोटीन, प्रोटीन ये हमारा राइट आंसर रहेगा, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वृक्ष जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनके तनों में क्या पाया जाता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, उनके तनों में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, वर्षीय वलय अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है, वर्षीय वलय अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्षीय वलय किसकी गतिविधियों के कारण बनते हैं, वर्षीय वलय किसकी गतिविधियों के कारण बनते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सात रहेगा, कैम्बियम की, ठीक है, कैम्बियम की ये हमारा राइट आंसर रहेगा, कैम्बियम की, ठीक है। अगली देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर फोर्थ, ठीक है, फोर्थ यूनिट आ जाएगी दोस्तों, फोर्थ यूनिट आ गई, ठीक है, फोर्थ यूनिट में देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में पराग नलिका वर्तिका स्टाइल को पार करती हुई भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक में भी पहुंचती है, ठीक है, एम्ब्रियो शेक में चलेजा में भी पहुंचती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सात आंसर रहने वाला है, चलेजोगैमी ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों, कमेंट करिएगा
कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, शेयर भी करते रहेगा दोस्तों, अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करते रहेगा। जल्दी से बताएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, पी माहेश्वरी, पी माहेश्वरी ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बीज रहित तो फलों का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है, बीज रहित तो फलों का उत्पादन कहलाता है क्या, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 7 रहेगा पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी ये हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन की खोज की थी, एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन की खोज की थी दोस्तों, किसने की थी, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 7 रहने वाला है नवा सचिन ने ठीक है, किसने की थी इसकी खोज, नवा सचिन ने की थी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 7 हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अधिकांश पुष्पधारियों में पराग नलिका माइक्रोपाइल से भ्रूणपोष में प्रवेश करती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 8 ठीक है, पोरोगैमी, पोरोगैमी हमारा राइट आंसर रहने वाला है ठीक है, राइट आंसर रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बीजांड यानी कि ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जल्दी से ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, मेगा स्पोर मार्तकोशा में ठीक है, कहां होता है विभाजन इसका, मेगा स्पोर मार्तकोशा में होता है ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोस्पोरिक 8 नाभिकीय मादा युग्म को उद्भिद पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आने वाले हैं, मजे आ जाएंगे दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, मजे आने वाले हैं पूरी वीडियो में, बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम ये हमारा राइट आंसर रहेगा, पॉलीगोनम ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है दोस्तों, कायम पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 8 ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 8 रहने वाला है पोलेन, पोलेन एग्जाइन में ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 8 पोलेन एग्जाइन, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिकाग्र स्टिग्मा में पराग नलिका यानी कि वर्तिका स्टाइल को पार करती हुई भ्रूण कोष एम्ब्रियो सैक में चलेजा में भी पहुंचती है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं इसे, ये रिपीट हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 7 चलेजोगैमी ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा सैजिटेट ठीक है, सैजिटेट पराग कोष तथा ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस कुल में, किस कुल के लक्षण हैं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 रहेगा एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी के ठीक है, किसके हैं, एपोसाइनेसी के लक्षण ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, माइक्रोस्पोर मार्तकोशा में, मार्तकोशा से निर्माण होता है, जल्दी से माइक्रोस्पोर मार्तकोशा से निर्माण होता है दोस्तों, किसका निर्माण होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 10 ठीक है, पराग कणों में ठीक है, पराग कणों का निर्माण होता है ठीक है, किसका होता है, पराग कणों का ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एंजियोस्पर्म्स के पराग कणों में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स के पराग कणों में पाए जाते हैं दोस्तों, कौन पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 10 ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 10 कोई कोशा नहीं होती, कोई कोशा नहीं होती ठीक है, कणों में पाए जाते हैं जिनमें कोई कोशा नहीं होती ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बार, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बार रहेगा, ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। तो किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आवृत बीजियों में भ्रूण पोष होता है, आवृत बीजियों में, आवृत बीजियों में भ्रूण पोष होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सात, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ट्रिप्लॉइड हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुभ्रूणता का अच्छा उदाहरण है, बहुभ्रूणता का अच्छा उदाहरण है दोस्तों कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बार, ठीक है, संतरा, संतरा हमारा जो है राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है दोस्तों कौन सी, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सहायक कोशिका होती है दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बा, अगुणित, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण परागकोष से सामान्यता गिरते हैं, परागकण परागकोष से सामान्यता गिरते हैं दोस्तों कैसे, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, शेयर भी करते रहेगा दोस्तों, अपने अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करते रहेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा दोस्तों, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बार, ठीक है, दो कोशीय व्यवस्था में, ठीक है, दो कोशीय व्यवस्था में, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एपोमिक्सिस टर्म किसने दिया था, एपोमिक्सिस टर्म किसने दिया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बार, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बार रहेगा, विंकलर ने, ठीक है, विंकलर ने दिया था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुभ्रूणता सामान्यता पाई जाती है, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता सामान्यता पाई जाती है दोस्तों किसमें पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, सिस्ट, सिट्रस में, ठीक है, सिट्रस में, सिट्रस में पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के लिए शेयर करिएगा दोस्तों। और हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आए दोस्तों, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियो दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करते रहेगा दोस्तों, लाइक करते रहेगा दोस्तों, शेयर करते रहेगा दोस्तों। और एक बात और भी बता दें, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया दोस्तों, आप वहां पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, जय हिंद दोस्तों।